हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 12 गणित की प्रश्नावली 4.5 का। आज की क्लास में हमने हल लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली से बड़े नंबरों में एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आइए हल करते हैं। तो देखिए, हमारे समीकरण निकाय हैं 2, 3, इस प्रकार से समीकरण निकाय हैं। इनसे सबसे पहले हम इसको आव्यूह रूप में किस प्रकार से लिखते हैं ये समझेंगे। तो आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे इसको कि माना आव्यूह रूप। तो सबसे पहले हम यहाँ ए इसको आव्यूह के रूप में बदलेंगे। तो ये जो a11 है, ये x y z के गुणांक हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे, a1 a2 a3, ये आ जाएगा यहाँ पर b1 b2 b3 और ये c1 c2 c3। ये हो जाएगा x y z के जो गुणांक होंगे वो आव्यूह a में आएंगे। उसके बाद जो ये एक्स वाई जेड जो हैं, एक्स वाई जेड ये हमारे एक्स में आएंगे। एक्स बराबर लिखेंगे इसको एक्स वाई जेड। और फिर आता है हमारा वी। वी क्या होगा, ये जो d1 d2 d3 हैं, ये हमारे d1 d2 d3 ये आएंगे हमारे बी में, d1 d2 और d3, इसको हम बी मानेंगे। तो यदि हमसे यहाँ से इन्वर्स निकालना हो तो तब क्या हो जाएगा, तब समीकरण निकाय यानी ए एक्स बराबर बी, और एक्स यही रहेगा और बी दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स में बदल जाएगा। ये इस समीकरण निकाय को हम आव्यूह विधि कहलाती है। इस प्रकार से हल करने की जो है ये आव्यूह विधि कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे समीकरणों के संगत व असंगत हल के लिए। ये समीकरणों का हल संगत कब होता है और असंगत कब होता है। तो फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं संगत, यानी समीकरण का हल संगत कब होगा, यदि सारणिक का मान, जो सारणिक ये है, इसका मान बराबर नहीं है 0 के, तब समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। यदि सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाए, यदि सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाए तथा तथा एडजॉइंट ए, और जो हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में बी की मल्टीप्लाई यानी गुना बराबर 0 आ जाए, तो समीकरण के अनंत हल होंगे, समीकरण के अनंत हल होंगे। ये दोनों ही शर्तें हमारी संगत में हैं। यदि सारणिक का मान बराबर नहीं है 0 के तो अद्वितीय हल होगा, यदि सारणिक का मान बराबर 0 है तथा एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर 0 है तो समीकरण के अनंत हल होंगे। आगे असंगत होने की स्थिति में असंगत कब होगा समीकरण, यदि सारणिक का मान 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, साथ ही साथ
यदि सारणिक का मान 0 के बराबर है तथा एडजॉइंट ए की गुना बी ये बराबर नहीं आती 0 के, तो समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। असंगत कब होगा? जब सारणी का मान 0 आए तथा एडजॉइंट बी बराबर नहीं है 0 के, तो उस स्थिति में संगत समीकरण असंगत होगा और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 4.5 का। प्रश्न 1 से 6 तक समीकरण निकाय को संगत व असंगत में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला प्रश्न है, दो समीकरण दिए हैं हमें, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आव्यूह में लिखेंगे, आव्यूह रूप में। तो यह मानेंगे कि माना ए बराबर, तो यहाँ गुणांक x का कितना है, यानी a1 का मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और a2 का मान क्या आ जाएगा, 2 आएगा। यहाँ से b1 का मान क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और b2 का मान आएगा 3। अब x का मान क्या था, xy थे ये, xy, और इसी प्रकार से हैं b का मान क्या होगा, ये इस प्रकार से d1, यानी d1 का मान है 2 और d2 का मान है 3। अब हम क्या करेंगे, सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, इसलिए सारणिक a का मान ज्ञात करेंगे, यानी इस 3 की गुना करेंगे 1 से 3, ही करना 3 माइनस 2 की गुना करेंगे 2 से 2 दूनी 4, घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस के 1, बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि सारणिक a का मान बराबर नहीं है 0 के। जब सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं होता था, तो समीकरण अतः समीकरण का अद्वितीय हल है, और समीकरण निकाय संगत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड सवाल है हमारा, 2x-y = 5 समीकरण 1 दिया हमें, और x+y = 4 समीकरण 2 दिया है, तो संगत और असंगत बतलाना है। तो माना आव्यूह रूप में लिखेंगे इसको, a बराबर क्या आ जाएगा, a1 का मान कितना है यहाँ पे, 2 है, और a2 का मान, यहाँ x का गुणांक कितना है, 1, यहाँ से v1 का मान कितना है, माइनस का 1, और b2 का मान है 1। अब x को मानेंगे, x बराबर क्या था हमारे, x और y के मान होते हैं, और b बराबर क्या होता है, d1 d2, d1 का मान है 5, d2 का मान है 4, 5 और 4 हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, यानी सारणिक a का मान क्या आ जाएगा, इस 1 की गुना करेंगे 2 से, 2 ही करना 2, माइनस 1 की गुना माइनस 1 से करेंगे, तो माइनस का 1 आएगा, पर 1 माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 3, क्योंकि सारणिक a का मान बराबर नहीं है 0 के, तो अतः समीकरण का अद्वितीय हल है, और समीकरण निकाय संगत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है हमारा, 2 समीकरण दिया है और हमें ये बतलाना है संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इसको आवेशी रूप में लिखेंगे, माना a बराबर क्या आ जाएगा, a वन का मान यानी x का गुणांक 1, a टू का मान 2, a बी वन का मान 3, बी टू का मान 6। x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, x का मान क्या हो जाएगा यहाँ, x और y हो जाएगा, और b के मान क्या होंगे यानी d1 d2 5 और 8 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारणी का मान ज्ञात करते हैं। तो सारणी का मान क्या होगा, इसलिए सारणी 6 की गुना 1 से होगी, 6 का ना 6 माइनस 2 की गुना होगी 3 से, 2 3 6 कितना आ जाएगा 0। क्योंकि सारणिक a का मान बराबर है आपका 0 के, जब बराबर 0 है तो हम क्या करेंगे इसका एडजॉइंट a ज्ञात करेंगे। तो यह लिखेंगे एडजॉइंट a के लिए इसके सहखंडज करेंगे, तो a 1 1 ज्ञात करेंगे, a 1 1। तो जो हमारा पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बचेगा, 6 किरम इनका सम है तो प्लस आ जाएगा। फिर हम ज्ञात करेंगे a 1 2 पहली रो, दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 2 बचेगा, किरम विषम है तो माइनस आएगा। इसी प्रकार से a 2 1 ज्ञात करेंगे, दूसरी रो पहले कॉलम को छिपाएंगे तो 3 बचेगा, किरम इनका विषम है तो माइनस आ जाएगा। a 2 2 दूसरी रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 1 बचेगा, क्रम विषम है तो प्लस आ जाएगा। तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, एडजॉइंट a बराबर a 1 1 का मान है 6, a 1 2 का मान है माइनस 2 और a 2 1 का मान है माइनस 3 और a 2 2 का मान है 1 और इसका परिवर्त, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 3 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट a इंटू बी ज्ञात करेंगे। तो एडजॉइंट a हमने ये ज्ञात किया था, b हमारा ये है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो की गुना पहले कॉलम से करेंगे तो 6 पंजे हो जाएगा 30, माइनस 3 की गुना करेंगे 8 से तो माइनस के 24 हो जाएगा, यानी पहली रो की हमने पहले कॉलम से गुना कर लिया है। अब दूसरी रो की गुना करेंगे पहले कॉलम से, लिखेंगे रो में 6 2 माइनस 2 की गुना करेंगे 5 से तो माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस 8 ही करना 8 तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा हमारा 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, माइनस के 2 बचेगा, क्योंकि एडजॉइंट a इंटू b बराबर नहीं आया है 0 के, और जब ये 0 के बराबर नहीं होता है तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अतः समीकरण निकाय असंगत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है हमारा। अब 3 समीकरण निकाय दिए गए हमें, प्रश्न 4, 5, 6, 7 तक, आगे को जो भी ये समीकरण दी गई हैं इन सभी में 3-3 समीकरण निकाय दिया गया है। तो देखिए 3 समीकरण निकाय को किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको आवेशी रूप में लिखेंगे, माना a बराबर, तो यहाँ से a 1 का मान क्या आ जाएगा 1, यहाँ से a 2 का मान 2 आ जाएगा, a 3 का मान a है, b 1 का मान यहाँ से 1 है, b 2 का मान 3 है और b 3 का मान a, और c 1 का मान 1, c 2 का मान 2, c 3 का मान 2a, ये हमारा आव्यूह बन गया। अब x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, x y z आ जाएगा ये,
और b का मान क्या होगा, यानी b बराबर क्या माना था हमने, डी वन डी टू, ये होते हैं डी वन डी टू डी थ्री, एक दो चार, ये डी वन डी टू डी थ्री के हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, सारणिक a का मान। अब ये तीन ऑर्डर का हमारा सारणिक है, तो पहले पहली रो के प्रसार कर लेंगे हम। पहली रो का पहला अवयव यहाँ प्लस होता है, फिर माइनस दूसरा अवयव, फिर प्लस तीसरा अवयव। अब पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो इनकी आपस में गुना करेंगे, टू ए की गुना होगी तीन से, तो तीन दूनी छः, ए हो जाएगा माइनस, और ए की गुना होगी दो से, तो टू ए हो जाएगा। अब दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो टू ए की गुना होगी टू से, तो चार ए हो जाएगा, और ए की गुना होगी दो से, तो माइनस के टू ए हो जाएगा। तीसरे कॉलम को छिपाएंगे तो ए की गुना करेंगे दो से, तो ये हो जाएगा टू ए माइनस, ये हो जाएगा तीन ए। यहाँ से छः में से दो जाएंगे तो चार बचेगा हमारा, चार ए और गुना में वन, माइनस यहाँ से कितना बचेगा, टू ए बचेगा, और प्लस वन गुना यहाँ से माइनस का ए बचेगा। यह आ जाएगा चार ए माइनस टू ए माइनस का ए बराबर चार ए, ये हो जाएगा माइनस, एक और माइनस के दो तीन हो जाएगा, घटाने पर बचेगा ए। क्योंकि सारणिक ए का मान बराबर नहीं है जीरो के, जीरो बराबर नहीं है, तो अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, और समीकरण निकाय संगत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।